इसको ज़रा आप देख ले। अगर आप इन पहले दोनों की बात करें या पहले इसकी बात करते, ये जो ये लॉग ऑफ ज़रा इन दोनों की पहले बात कर दे, इस इन दोनों की दरमियान में क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा, ज़रा में तब्दील होगा जब आप लॉग कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 61.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये चीज़ आ गई। क्लियर आया था, समझ में आ गई बात। अच्छा इसको चलो बाद में करते हैं, एक स्टेप में एक काम, ठीक है, वरना इस स्टेप में हम दो काम भी कर सकते थे। तो रीज़न क्या लिखेंगे इसका, वही रीज़न कि अगर लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन इसको कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एम इंटू एन। क्लियर यहाँ तक जी भाई, तवज्जो इस तरफ, लॉग ऑफ 61.5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये चीज़। अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या है, लॉग से पहले ये क्या बन जाएगा, याद है ये रीज़न हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर किसी चीज़ की किसी रकम की पावर हो एन, तो ये पावर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा ना, समझ गए। अगर पहले आ सकता है तो इसका मतलब इसको दोबारा हम यहाँ पर ले जा सकते हैं, बस हमें बात क्लियर, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एन लॉग ऑफ एम, तो ये क्या आ जाएगा, इसको दोबारा एज अ पावर आप लिख सकते हैं, इसको लॉग ऑफ एम पावर एन, सही है। तो यहाँ पर 1/3 इज़ अ पावर है, तो क्या होगा इस रूल के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं 4/1/3। अच्छा जी, लॉग ऑफ 61.5 × 5, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको लंबा कर रहा हूँ, वरना शॉर्ट भी हो सकता था। अच्छा जी आप यहाँ पर देख ले, देखिए 1/3 का मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जज़र की सूरत में, ये तो 4 रेडिकल ऑफ 4 3, क्यूब रूट एक तरह से, ये क्या है क्यूब रूट। अब देखिए यहाँ पर लॉग, फिर यहाँ पर माइनस लॉग, तो हमारे पास रूल क्या था याद है कि लॉग ऑफ एम बाई एन किसके बराबर है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, तो जो जो माइनस है वो बटे के नीचे चला एज अ डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई बात। तो ये जो माइनस वाला टर्म है ये एज अ डिनोमिनेटर बन जाएगा जब आप लॉग को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से लॉग को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखें लॉग कॉमन हमने लिया तो क्या बना 61.5 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा एज ए डिनोमिनेटर, रेडिकल ऑफ ये 4 क्यूब रूट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल आंसर।